मुझे बच्चे जैसा क्यों दिख रहा है? कहीं मेरी पास की नजर छोटी तो नहीं हो गई? दादी वो नजर नहीं छोटी हुई, पुलिस ही छोटी है। मोहल्ले में चोरी हुई ना तो सबका सामान लिख रहे हैं, जिस चीज का चोरी हुआ है वो ढूंढ के देंगे। तो सामान लिखवा दो अपना अपना, मिल जाएगा। हाँ ढूंढ के देंगे। मुन्ना हवलदार लिख। हाँ लिख 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 लिख। हाय मैं क्या बताऊं सिद्धू जी, चोर तो हमारे कबूड भी ले गए। कबूड कबूड। हाँ मैं चिल्लाई गिड़गिड़ाई, अरे मत ले जाओ, अभी हम खाक कर बैठे। ले जाओ। एक नहीं सुनी। कहते हैं तुम्हारा कबूड इतना साफ है कि देखकर ऐसे लगता है 5-6 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। मेरा कबूड वापस लाओ। अच्छा इसका मतलब गरीब हो, ऐसे ही बातें बना रहे हो। चलो यार चलो। एक्सक्यूज मी सर जी, ऐसा मैं गरीब ना कहे, आपको पता नहीं हम कितने अमीर हैं। हमारे दादाजी, हाँ पता आपको कितने अमीर थे? कितने? बीकानेर रियासत के मालिक थे। अच्छा, अच्छा? हाँ उन दिनों में उनके पास, उन दिनों में 1,000 रुपया हुआ करता था। किन दिनों में? 1 साल पहले। बहुत अमीर थे। जब चाहते थे हम पनीर खा लेते थे। 5-6 महीने में एक बार तो आम तो मंगता ही मंगता था। बहुत अमीर थे। समझ गए भाई। जल्दी से लिस्ट बताओ, अभी सांप के डायपर चेंज करने का वक्त हो गया है। मैं कर देता हूँ। आ जा साहब जी, लोग कानून हाथ में लेते, मैंने गोद में ले लिया। ए, नीचे चल। बात कर रहा है। अच्छा तुम बताओ कि जब चोरी हो रही थी तो तुम क्या कर रहे थे? मैं नीचे देख रहा था। नीचे क्यों देख रहे थे? अब आपको कोई ऐसे करे तो आप कहाँ देखेंगे? वो तो ठीक है, पर मुंह से क्यों नहीं बोले? अब आपको ऐसे करके ऊपर से ऐसे कर दे तो आप बोलेंगे मुझे कुछ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे इसको तो ऐसे पकड़ा था, मुझे तो मुर्गी बना दिया था। सच्ची कह रही हूँ। हाँ आधा 1 घंटा और रुक जाते तो मैं तो अंडा देने वाली थी। तो तुम क्या कर रहे थे तब? मैं प्याज काट रहा था। अरे इनको मुर्गी बना दिया था, ये अंडा देने वाले थे, को, 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 और तुम प्याज काट रहे थे। अगर वो अंडा दे देती तो मैं प्याज ना काटता, आमलेट कौन बनाता? प्याज काटना शुरू कर दिया, शोर नहीं मचा सकता था। कैसे शोर मचा देते हम लोग? शोर मचाते 4 लोग और आते तो 1 अंडे के आमलेट में हमें क्या बचता? हमने शोर मचाया था, हमारी बुआ ने शोर मचाया, उसके मुंह में लाठी देके ना ऊपर टांग उसका पंखा बना दिया उन्होंने। तो जब बुआ का पंखा बना दिया तो तुमने क्या किया? मैंने किया ना, बहुत गर्मी लग रही थी तो बुआ को 5 नंबर पे कर दिया। बुआ को 5 नंबर पे कर दिया। चोरों के साथ दो हाथ नहीं कर सकते हम लोग। कैसे करते दो हाथ? पता कितने खतरनाक गुंडे थे, एक के हाथ में तोप थी, एक के हाथ में टैंक। तोप और टैंक? वो एक बात बताओ, तुम पर चोरों ने हमला किया कि मुगलों ने हमला किया? नहीं सॉरी, याद है टैंक नहीं, मुक्का था, मुक्का। अच्छा, मुक्के और टैंक में कोई फर्क नहीं होता? कोई फर्क नहीं होता, मुक्का एक जगह पे लग जाए ना तो गोले से ज्यादा असर करता है। चलो छोड़ो सारी बातों को, ये बताओ कि कोई अनुमान है कि टोटल कितने लोग थे? ये 4 बोला, ये 5 बोला, ये क्या है, ये क्या है? टोटल 9 थे, हमने आधे आधे याद रखे। 4 5। अच्छा ये बताइए उनका हुलिया कैसा था, दिखने में कैसे थे वो? दिखने में चोर थे। तो हमको भी मालूम है चोर थे, कहीं इसने तो चोरी नहीं की। देखिए इसने नहीं, नहीं हमारे घर में तो नहीं की, लेकिन जैसे इसका मुंह ने, इसने किसी ना किसी घर में की होगी। बिट्टू आज फिर जुए में मैं 500 रुपए हार गई। हाय मार गई गंजा कॉकरोच। ये कॉकरोच नहीं है तो? ये हमारे साहब है, भले गंजे है लेकिन हमारे साहब है। मोहल्ले में चोरी हुई ना तो सारा सामान लिखवा रहे हैं पुलिस वालों को, तो वो ढूंढ के देगी पुलिस ही।
तुम भी लिखवा दो जो जो तुम्हारा चोरी हुआ है। ठीक है। वो ना मेरे हस्बैंड चोरी हो गए। हस्बैंड चोरी हो गए? दिखने में कैसे थे? दिखने में दो थे। दो हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? आपको तो पता ही है ना कि पुलिस आधा ही माल वापस करती है। दो लिखाऊंगी तो क्या पता एक वापस ले ही आए। तेरा भी जो जो चोरी हुआ है ना लिखा दे, बाद में आधा मुझे वापस कर देना। लिखा लिखा। वो मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम चोरी हो गया है। हाँ, तो ये एक मिनट एक मिनट, तो ये क्या पहना है? आप रिपोर्ट लिखा रही, वो इंजॉय कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसका ना मंगल सूत्र चोरी हो गया। आपको तो पता ही है ना शादी के बाद पहनते हैं। अरे इनको क्यों बता रही है आप, इनकी तो शादी नहीं हुई है अब तक। है, कैसी बातें कर रहे हो, बच्चे की भी कभी शादी होती है। आयो ए। कोई बीच में नहीं आएगा। ओए बिट्टू, मुझे ये बच्चा नहीं लग रहा। बच्चा नहीं है ये, उतार इसको। छोड़ क्या कर रही है, छोड़ छोड़, चल बे, बड़ा बुआ का बच्चा लग रहा है। हिलना नहीं, इधर से, यहां से हिलना नहीं। क्या कर रही है? बच्चे की जान लोगे क्या? आइए आप आइए मम्मी जी। हाँ। ये लड़का मुझे पसंद है, इससे मेरी शादी करा दो। अरे बेटी, इसका साइज तो देख। तो क्या हुआ, आपने वो नहीं सुना? ना उम्र की सीमा हो ना साइज का हो बंधन। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। जन्म तो धीरे धीरे ले ही रहा है ना, वो बरसात में पूरा हो जाएगा। ए, क्या बोल रही हो? मैंने नहीं तेरे से शादी करनी। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। देखिए हम हनीमून मनाएंगे, उसके बाद मैं आपको स्कूल पे जा करूंगी। टिफिन में ना ऊपर आलू के परांठे, नीचे हलवा, उसके नीचे दूध की बॉटल भी डालूंगी। सामान की बात कर, सामान लिखवाना। हाँ हाँ हाँ, पहले बताओ टोटल आपका कितने का नुकसान हुआ है? ऐसे पूरा तो नहीं याद, मैं तेरे पे 170 रुपए में तो चाय पत्ती वाले डिब्बे में से चोरी हुए। 200 रुपए इधर पड़ा हुआ था सोफे के ऊपर। टोटल नहीं मतलब पूरा मोटा मोटा 30 लाख रुपया। मोटा मोटा क्यों बोल रहे हो भाई? आपने पूछा ना तो मोटा मोटा निकल गया। एक मिनट एक मिनट, मैंने हिसाब लगाया जितना इनका सामान चोरी हुआ ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इनके यहाँ काला धन है, और अगर काला धन हुआ तो कम से कम आप लोग 20 साल के लिए तो अंदर गए। हाय मर गई। सरजी सरजी प्लीज, अबे सुनो रे प्लीज, अबे देखिए अब वो तो हम मजाक कर रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से, हम तो गरीब आदमी है। हमने तो उस दिन डकार लिया, पूरा मोहल्ला हैरान था, इन्होंने खाना कहाँ से खा लिया? हमारे पास तो है कुछ नहीं। अच्छा बीकानेर वाली रियासत की बात करें। कौन सी रियासत, कौन सी बीकानेर? बीकानेर का तो भुजिया होता है, वो तो मेरे दादाजी बेचा करते थे बस वही। हाँ जी। अच्छा, और वो अरबी घोड़े? कौन से अरबी घोड़े? नहीं, मैं तो अरबी सब्जी की बात कर रहा था। वही इतनी महंगी होगी, मैं लगता हूँ घोड़ा खरीदने के लिए जा रहे हैं। भिंडी घोड़ा, अमरूद घोड़ा। सच, बिल्कुल सही कह रहा है ये। हम तो इतने गरीब है कि जब हमारे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाता ना तो हम तो मोबाइल सड़क पर छोड़ देते। हाँ, कोई उसे उठा के रिफिल करता है तो झट से बोलते हैं, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। इसका मतलब आपका कोई कीमती सामान चोरी नहीं हुआ? ना, 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 ना,
नहीं आप टेंशन मत लीजिए, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन नहीं करेंगे, लेकिन आपने हमसे झूठ बोला है, इसका जुर्माना तो देना पड़ेगा 5,000 रुपया। 5,000 रुपया तो नहीं है हमारे पास। बिट्टू जरा सुनिए जी, 5,000 नहीं है हमारे पास, 2,500 की दो पप्पियां ले लो। मुझे 5,000 ही चाहिए। ये कंगन ले लो, मेरी मम्मी ने मेरी शादी के लिए बनाए थे। थैंक यू वेरी मच। और एक बात का और ध्यान रखना, कौन सी? आगे से हम जैसी पुलिस के साथ कोई पंगा नहीं लेने का, ठीक है? पंगा से पता? चलिए सर। अब चिल्लाओ कमीनो, अब हुई है हमारे घर चोरी। बड़े बड़े आलू, बड़े बड़े चपातियां, अरबी घोड़े, मंगल सूत्र तेरा हुआ था चोरी। तो बीकानेर कहां गया फिर? बेड़ा कर रख दिया मेरा, कितनी बार कहा है?